पाकुड़ में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के द्वारा एनआरसी पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री ने कहा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये लोग एजेंडा से हटकर बात करते हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ये सारे वादे धरे के धरे रह गए हैं। स्टेशन का जरूरत था, पहला सब स्टेशन कुछ दिन पहले परलबोना में हम लोग शिलान्यास और उद्घाटन हम कर चुके हैं। उसके बाद जमशेदपुर में भी शिलान्यास उद्घाटन करके दोनों जगह से लाइन का संचालन हो रहा है। और सबसे बड़ी जो है पावर सप्लाई का जो शहबाजपुर था, जो पाकुड़ से होता था, ये लंबा करीब 19-20 किलोमीटर का ही है। यहाँ मैक्सिमम फॉल्ट होता था, यहाँ बहुत सारे गांव जुड़े हुए थे, उसको दो भाग में हम लोग बांटने की काम किया है। और आज उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक सब स्टेशन अगर हम लोग यहाँ बना देते हैं तो निश्चित तौर पर छोटे मोटे फॉल्ट के चलते पूरा 19 किलोमीटर लंबाई जितने भी गांव पड़ते बिजली गुल हो जाता है। उस दिशा में इस सब स्टेशन का बनाया गया। जहाँ तक हमारा हमेशा ये प्रयास रहा कि बिजली हमारा यहाँ की जनता को उपलब्ध हो, हम लोग पहले बोलते थे जल बिना जीवन के कल्पना करना संभव नहीं है। आज 21वीं सेंचुरी में हम लोग पहुँचे, आज जिंदगी का हर काम के लिए, खाना बनाने से लिए, पानी निकालने के लिए, सारी चीज़ों में आज बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़रूरत के मुताबिक हम कहते हैं कि बहुत आवश्यकता है, और उस चीज़ को हमारी सरकार भी समझ रही है। हेमंत जी का नेतृत्व में सरकार बनी है और उन्होंने लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये दिक्कतें भी हैं, जो बिजली कहीं कहीं फॉल्ट भी दिखाई देता है, 2 घंटा 1 घंटा बिजली की कमी भी है। हमारा एक है, सरकार अपने खजाना से पैसा देकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।